प्रदेश में अति वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने लगातार तीसरे दिन गांव और खेतों का दौरा करने के साथ ही किसानों से चर्चा की। साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने गांव और खेतों के निरीक्षण के तीसरे दिन अपने गृह जिले हरदा के गाँव का दौरा किया। कमल पटेल ने सामरधा, नीमगांव, छिड़गांव, जामली चराहा, ग्राम बिछौला, सोना तलाई, हनीफाबाद, करणपुरा में खेतों पर जाकर खराब हुई फसलों का निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की। भ्रमण के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने नीमगांव में जम्भेश्वर मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश के कल्याण की प्रार्थना की। इस दौरान कमल पटेल ने बिछौला में नर्मदा सागर डैम के बैक वाटर का अवलोकन भी किया। लगातार बारिश के कारण किसानों की फसलें, जो सोयाबीन की बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण रोग लग गया, अपलन हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। मैंने स्वयं 3 दिन से लगातार दौरा कर रहा हूँ, भोपाल, होशियार, देवास, खंडवा, हरदा का किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देश पर दौरे किए, मुख्यमंत्री जी भी आज खातेगांव आए हैं, उन्होंने भी निरीक्षण किया है। और इसलिए इस प्राकृतिक आपदा में मध्य प्रदेश की सरकार, जो कि किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गांव की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिसके मुखिया शिवराज सिंह जी हैं, हम ऐसे संकट के समय किसान के साथ खड़ी है सरकार। और इसलिए हमने सभी जिलों के कलेक्टर को, DDA को निर्देशित कर दिया है कि पूरा कृषि विभाग का, राजस्व विभाग का अमला गांव-गांव जाए, खेतों में जाए, मौका मुआयना करे, नजरी आकलन करे और गांव के लोगों को साथ लेकर सरपंच, पंच को डोनी पिटवा कर और पंचनामा बना के जितना नुकसान हुआ है उसका पंचनामा बनाए और सार्वजनिक रूप से एक एक किसान का पंचनामा बनने के बाद में ग्राम सभा के अंदर उसको अनुमोदित करें और पंचायत के बोर्ड पर लगाएं, ताकि कोई किसान यह ना कह सके कि हमारा सर्वे नहीं हुआ या हमारे साथ कोई खेत में नहीं गया। ये सरकार किसानों की सरकार है और इसलिए तत्काल हमने ये निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश के किसानों को RBC 6-4 में राहत और बीमा का 31 अगस्त तक बीमा की तारीख बढ़ा दी गई है। जो किसान बीमा कराने चाहे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ग्राम पंचायत में ही कैंप लग रहे हैं, वहां जाकर अपनी जमीन जितनी क्या फसल हुई है उसके अनुसार पटवारी से, वहीं पटवारी रहेगा, वहीं ग्राम सेवक, कृषि विभाग के अधिकारी रहेंगे, बैंक के कर्मचारी रहेंगे और अपना बीमा करा सकते हैं।